हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में ना ये जो क्लोथ वाली ड्रेस थी, इसमें मैंने पहले चारकोल पाउडर पूरे जगह पे अप्लाई किया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्रश से एंड टिश्यू पेपर से भी कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ जनरल चारकोल पेंसिल और कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की स्ट्रोक की मदद से सारे फोर्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर मैं सबको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड भी कर दिया। और फिर मैं लास्ट में एक और लेयर दूंगी। अगर आपको डार्क करना है तो आप और लेयर दे सकते हो। और मैंने लास्ट में ना डर्मेंट इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट जैसे बहुत अच्छे से इरेजर हाईलाइट्स हो जा रहे थे। लेकिन हाँ, मुझे ना ब्रिस्टो का इलेक्ट्रिक इरेजर बाय करना है, क्योंकि उसका जो लीड होता है ना उसमें पतले वाले लीड्स भी देते हैं और डर्मेंट में सिर्फ जो मोटा मोटा लीड है वो है। तो उसको बार बार आपको सैंड पेपर में रब कर ये करना पड़ता है ताकि वो उसका लीड जो है वो थोड़ा पतला हो। अदरवाइज तो मुझे ये क्लोथ का टेक्सचर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप इम्प्रूविंग।